मेरा नाम मुकेश डागुर है और मैं आगरा में राष्ट्रीय लोकदल का किसान संदेश अभियान का प्रभारी हूं। और हम लोग आज यहां किसान जितने भर गांवों से निकल के आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में किसान यहां आया है। किसान अपनी मांगों को लेकर आया है, किसान अपने सवालों को लेकर आया है और उसकी मांगे हैं कि उसकी फसल की उसको कीमत नहीं मिल रही। तो आगरा में आलू का प्लांट लगे, प्रोसेसिंग प्लांट लगे, एक नहर की मांग है, नहर बने जिससे खेती की सिंचाई हो सके। किसान की मांग है कि उसे कर्जे से मुक्त किया जाए। किसान की मांग है कि उसकी उसकी फसल की पूरी कीमत मिले। किसान की मांग है कि उसको बिजली पूरी मिले। तो यही मांगे हैं। कितनी मांगे हैं आप लोगों की और अपने अधिकारियों? ज्ञापन में हमने 7 सूत्री मांग रखी है, जिसमें 2 मांगें प्रशासनिक हैं, जिसमें जमीनों के विवाद हैं, जमीनों पर अवैध कब्जे हैं। और इसके अलावा हमारा अभी जो बाजरे की खरीद हो रही है, सरकारी खरीद, तो उस खरीद में जो गड़बड़ी हुई है, जो घोटाला हुआ है, उस पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की हमारी मांग है। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। मांग पूरी नहीं होती है तो उसके बाद लगातार धरने पर धरना, आंदोलन करेंगे, आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। आपको उम्मीद है कि आपकी जो मांगे हैं किसानों की मांगे हैं? जरूर उम्मीद है, क्योंकि हमारी सारी मांगें जमीन से जुड़ी हुई हैं, कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है। बड़े स्तर पर किसान उससे पीड़ित है और अगर ये नहीं सुनेंगे तो हम आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे।